राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हाजी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है राधा रानी की प्यारी सी ड्रेस। ये 6-7 नंबर के राधा रानी के लिए बना रही हूँ। आप चाहो तो इसे कान्हा जी के को भी पहना सकते हैं। इसके लिए हम एक लॉन्ग स्ट्रिप ले लेंगे, कुछ इस तरह से नेट की स्ट्रिप ली है मैंने। लेंथ इसकी मैंने 5.5 इंचेस ली है और विड्थ आप चुनौटों के हिसाब से जितनी मर्जी ले सकते हो। मैंने 55 इंचेस की ली है। तो इसको हम एक साइड पर लेस अटैच करेंगे। आप कोई सी भी लेस अटैच कर सकते हो। मैं गोटा अटैच कर रही हूँ। आपके पास अगर चौड़ा गोटा है तो आप एक पट्टी, अगर थिन है तो आप दो स्ट्रिप्स ऑफ दिस गोटा लगा सकते हैं नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे गोटा अटैच करने के बाद हमने दो साइड्स को हेम कर लिया है और ऊपर वाली साइड में हम इस तरह से चुन्नटें ऐड करेंगे। और चुन्नटें आपको इस तरह से ऐड करनी है कि आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग रह जाए। तो अगर आपने स्ट्रिप लंबी ली है तो आप ज़्यादा नज़दीक चुन्नटे डालें, नहीं तो आप थोड़ा दूर चुन्नटे डाल सकते हैं। मैंने लंबी ली है तो मैं बहुत नज़दीक इस तरह से चुन्नटे डाल लूँगी। चुन्नटे ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में आ जाएगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली घेरा जो है राउंड बन जाएगा। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और अटैच करेंगे। देन इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिच करते टाइम हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे। डोरी मैंने सेम नेट की बनाई है, आप चाहो तो मार्केट वाली डोरी भी इंसर्ट कर सकते हो। ये घेरा बनके रेडी हो चुका है। अब बारी आती है चोली पोर्शन की। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे 7x3 इंचेस का फैब्रिक लिया है। इसको हम वेस्टर्न स्टाइल चोली जिस तरह से काटते हैं इस तरह से वैसे ही कट करेंगे। इस तरह से कट करके हम इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच करके सीधा टर्न आउट कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा टर्न आउट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा टर्न आउट कर लिया। अब क्योंकि ये ऑफ शोल्डर गाउन है तो इसके लिए हम एक स्ट्रिप रेडी करेंगे। उसके लिए आपको कान्हा जी के शोल्डर के साथ या राधा रानी के, जिसका भी आप बना रहे हैं, इस तरह से लगा के देखना है। जो पूरी स्ट्रिप आए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि वेलक्रो टेप लगेगी यहाँ पे, इसलिए इस तरह से यहाँ पे हम ये अटैच करेंगे। हल्का हल्का यहाँ से फोल्ड करेंगे। देन इसको गोटा को अटैच करेंगे दोनों साइड्स पे। इस तरह से पहले हल्का हल्का फोल्ड कर लीजिए। देन इसके ऊपर गोटा अटैच कर दीजिए। ये स्ट्रिप बना ली है। अब आपको स्ट्रिप को कान्हा जी के शोल्डर पे या राधिका रानी के शोल्डर पे मापना है और जो एक्स्ट्रा हो वो वेलक्रो टेप के साथ ही आप फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से दोनों साइड्स पे आपको इस तरह से वेलक्रो टेप ऐड करनी है। देन इस तरह से शोल्डर पे लगा के देखना है। पूरी आनी चाहिए स्ट्रिप, एक्स्ट्रा स्ट्रिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से आप वेलक्रो ऐड कर लीजिए। वेलक्रो टेप हमने अटैच कर ली है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, मिड से मिड मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देंगे। आपको यहाँ पे ये पट्टी अटैच कर देनी है। इस तरह से ये चोली बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको भी घेरे के मिड में अटैच करेंगे। इस तरह से घेरा रखेंगे, मिड से मिड मिलाएंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। आप इसका लुक देख सकते हैं। ये देखिए, चोली को हमने अटैच कर लिया है। ये ऑफ शोल्डर गाउन टाइप की ड्रेस है जो कि पहनाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। अगर आप राधिका रानी के लिए, आपके पास है राधिका रानी, बाल राधा रानी, तो आप उनके लिए ये बना सकते हैं। कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, मेरे कान्हा जी ने वियर कर लिया है। तो पहनाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, क्यूट सा। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।